बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ. द फादर सेज आई एम ऑल्सो मर्सीफुल. एक तरफ रहम दिल भी हूँ तो फिर कालों का काल भी हूँ. ऑन वन साइड आई एम मर्सीफुल एंड ऑन द अदर हैंड आई एम द डेथ ऑफ डेथ्स एज वेल. मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर के पावन बनाओ. दे कॉल मी ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस पतित पावन कम एंड प्यूरिफाई अस. इसलिए बुलाते हैं. व्हाई डू दे कॉल मी. पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं. एम आई कॉल टू प्यूरिफाई द सिंफुल और एम आई कॉल टू नरेट नॉलेज. मुख्य एम ऑब्जेक्ट क्या होता है बुलाने का. समवन सेड टू प्यूरिफाई द सिंफुल. व्हाट इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग मी. पतितों को पावन बनाने के लिए आओ. ये नहीं कहते हैं ज्ञान सुनाने के लिए आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ. कम टू प्यूरिफाई द सिंफुल. दे डोंट से कम टू नरेट नॉलेज एंड देन डिपार्ट आफ्टर नरेटिंग द नॉलेज. तो परमात्मा बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए. ऐसे नहीं ज्ञान सुना के बीच में चले जाएंगे. सो द सुप्रीम सोल फादर कम्स ओनली टू प्यूरिफाई द सिंफुल. इट इजेंट दैट ही विल नरेट नॉलेज एंड डिपार्ट इन बिटवीन. ज्ञान भी सुनाते हैं किस लिए. व्हाई डज ही ऑल्सो नरेट नॉलेज. पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान सुनाते हैं. ही नरेट्स नॉलेज टू प्यूरिफाई द सिंफुल. ज्ञान माना जानकारी. नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन. पहचान हो जाए उस पतित पावन बाप की जो पतितों को पावन बनाने वाला है. वी शुड रिकॉग्नाइज द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल द वन हु प्यूरिफाइज द सिंफुल. इसलिए ज्ञान सुनाते हैं. दैट इज द रीजन फॉर नरेटिंग द नॉलेज. बाकी ज्ञान सुनाना कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है. द नरेशन ऑफ द नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट द एम एंड ऑब्जेक्टिव. मेरा नाम तो दोनों है ना. बोथ आर इन फैक्ट माई नेम्स aren't they? क्या दोनों. विच बोथ. पतित भी नाम लगा दिया और पावन भी नाम लगा दिया. समवन सेड पतित पावन. आई वॉज गिवन द नेम पतित मीनिंग सिंफुल एज वेल एज पावन प्योर. क्यों. वाई. अगर दोनों ही नाम है पतित भी नाम है और पावन भी नाम है. इफ बोथ आर माई नेम्स इफ द नेम पतित एज वेल एज पावन बिलोंग टू मी. तो पावन नाम पहले होना चाहिए पतित नाम पहले होना चाहिए. देन शुड द नेम पावन बी फर्स्ट और शुड द नेम पतित बी फर्स्ट. क्यों. स्टूडेंट सेड समथिंग. वाई. शरीर के ऊपर नाम पड़ता है. द नेम इज बेस्ड ऑन द बॉडी. आत्मा के ऊपर नाम नाम नहीं पड़ता. द नेम इज इन बेस्ड ऑन द सोल. तो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता हूँ वो पहले पतित होता है. सो द बॉडीली बींग इन विच आई एंटर इज इनिशियली सिंफुल. पतित में ही परमात्मा बाप आते हैं. द सुप्रीम सोल फादर कम्स ओनली इन अ सिंफुल बींग. पावन में नहीं आते. जब तक भी आएंगे तब तक पतित तन काम ही काटा होना चाहिए. He doesn't come in a pure being. For the period in which he comes, the body should be a sinful, lustful thorn. बड़े से बड़े काम ही कांटे में प्रवेश करके उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ. I enter the biggest lustful thorn and make him the biggest flower. बड़े से बड़ा फूल किसको कहा जाता है. Which flower is said to be the biggest? कमल का फूल. The lotus. फूलों का राजा कहा जाता है. It is called the king of the flowers. King flower. The king flower. तो बहुत powerful होता है. It is very powerful. और फूल तो झट मुरझा जाते हैं. The other flowers wither immediately. कमल का फूल कई कई दिन ज्यों का त्यों रखा रहता है. The lotus remains as it is for many days. बहुत पंखुड़ियों वाला होता है. बहुत बड़े परिवार वाला होता है. It has many petals. It has a very big family. तो मेरा नाम दोनों है पतित भी है पावन भी है. So both are my names पतित as well as पावन. पतित पावन कहा जाता है. It is said पतित पावन. पतित शब्द पहले इसलिए कि तन के ऊपर ही नाम पड़ता है. The word पतित comes first because the name is based only on the body. आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता. The name is not based on the soul. शिव तो सिर्फ आत्मा का ही नाम है बिंदु. शिव इज जस्ट द नेम ऑफ द सोल द पॉइंट. वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु
उसका नाम है सिर्फ शिव. द नेम ऑफ दैट सुप्रीम सोल पॉइंट ऑफ लाइट इज जस्ट शिव. उनका दूसरा कोई नाम नहीं है जो उस बिंदु का नाम बदल जाए. He doesn't have any other name which would change the name of that point. वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदलते हैं. When he enters the body, the name changes. इसलिए पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में. This is why the word patit is first and the word pavan comes after that. क्योंकि वो पतित शरीर ही बाद में पावन बनता है. Because that sinful body itself becomes pure later on.